हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आइए अब शुरुआत करते हैं सुशांत मामले में। हालांकि पूछताछ का दौर जारी है, लेकिन इस बीच आपको बड़ी खबर दे दें, मुंबई पुलिस की ओर से ये बड़ी खबर है। सीबीआई को जो अधिकारी जांच से जुड़ी जानकारी दे रहे थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बांद्रा इलाके के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे का पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। अभिषेक त्रिमुखे सुशांत मामले की जांच कर रहे थे मुंबई पुलिस की तरफ से, और उन्होंने ही सुशांत मामले की पूरी जानकारी सीबीआई अधिकारियों को हैंडओवर दी थी। एक एक जानकारी जो कुछ जांच मुंबई पुलिस ने की थी, और बांद्रा के डीसीपी हैं अभिषेक त्रिमुखे, वो कोरोना संक्रमित है और उनका पूरा परिवार भी कोरोना संक्रमित हो चुका है। इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। बांद्रा के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे कोरोना पॉजिटिव है, साथ ही उनका परिवार भी कोरोना पॉजिटिव हो गया है। अभिषेक त्रिमुखे इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे और सीबीआई को पूरा केस हैंडओवर अभिषेक त्रिमुखे ने किया था। जितेंद्र दीक्षित जुड़ गए हमारे साथ। जितेंद्र, क्या है पूरी जानकारी? अभिषेक त्रिमुखे जो कि जोन 9 के डीसीपी हैं मुंबई पुलिस के, और जो सुशांत मामले की जांच कर रहे थे, वो और उनका परिवार जो है कोविड पॉजिटिव पाया गया है। इन्होंने हाल ही में टेस्ट कराया था और इससे ये जानकारी मिली है कि त्रिमुखे और उनके परिवार के तमाम लोग जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। ये एक अहम जानकारी है, क्योंकि इन्हीं के साथ में तालमेल रख रही थी सीबीआई। सीबीआई की टीम जब मुंबई पहुंची थी तो सबसे पहले डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से मुलाकात की थी और उनसे इस केस से जुड़े हुए तमाम कागजात और साथ में जो मटेरियल है वो जो कि उस घर से जहां पर सुशांत रहते थे वहां से हासिल किया गया था, वो सारी चीजें डीसीपी त्रिमुखे के निर्देश पर सीबीआई को सौंपी गई थी। और अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ की अगर मैं डीआरडीओ की बात करूं तो डीआरडीओ में पुलिस यहाँ पर पुलिस का काफी बंदोबस्त यहाँ पर लगाया गया है, और सीबीआई ने मुंबई पुलिस से ये निवेदन किया है कि रिया चक्रवर्ती को उनके घर से लेकर यहाँ डीआरडीओ तक पहुँचने तक पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए और पूछताछ के बाद वापस उन्हें घर छोड़ने तक के लिए पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई जाए, क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई के सामने ये शिकायत की है कि जब मीडिया उन्हें चेस करती है तो ऐसे में उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा नजर आता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए पुलिस सुरक्षा उन्हें दी जानी चाहिए। इस आशय की शिकायत कल खुद रिया चक्रवर्ती ने सांता क्रूज पुलिस थाने में भी दर्ज कराई थी, जिसके बाद सांता क्रूज पुलिस थाने की एक टीम उन्हें छोड़ने के लिए गई उनके घर तक। जी, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं। सीबीआई की तरफ से मुंबई पुलिस से सहयोग मांगा गया है कि रिया चक्रवर्ती को उनके घर से सुरक्षित डीआरडीओ गेस्ट हाउस तक पहुंचाया जाए और पूछताछ के बाद वापस छोड़ा भी जाए। मुझे एक बात बताइए, इस पर भी मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन अभिषेक त्रिमुखे जो पूरी इस जांच को सीबीआई के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे मुंबई पुलिस की तरफ से, क्या उनकी जगह कोई दूसरा अधिकारी नियुक्त किया जाएगा? क्योंकि सीबीआई की जांच बढ़ रही है, मुंबई पुलिस से भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत जरूर पड़ेगी। जितेंद्र, देखिए सीबीआई जो है जो तमाम कागजात वगैरह लिए जाने थे वो तमाम कागजात जो है वो सीबीआई ने हासिल कर लिए हैं मुंबई पुलिस से, और इस मामले के जो आईओ थे बेलनेकर वो खुद भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे और वो क्वारंटीन में थे। उनका बयान होना अभी बाकी है, लेकिन डीसीपी त्रिमुखे के कोविड पॉजिटिव हो जाने से सीबीआई की जांच पर असर नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि सीबीआई वो सारी अच्छी बात है। जितेंद्र, इससे सीबीआई की जांच पर असर नहीं पड़ने वाला है। आप रहे हमारे साथ जितेंद्र दीक्षित, पूरी जानकारी दे रहे थे।